और पूरी क्या महत्व सुन लो, ये स्थान का नाम है जगन्नाथ पुरी। यदि ये पुरी का नाम अलग अलग है, एक तो पुरी है, पुरी मतलब जो पुरी हम खाते हैं वो पुरी नहीं, पुरी मतलब होता है जहाँ पर भगवान की नित्य निवास है, इसलिए उसको पुरी कहते हैं। और इसका और एक नाम है शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र मतलब कि जगन्नाथ पुरी का जो आकृति है वो शंख जैसे, शंख को विजय कहते हैं ना, जैसे जो व्यक्ति विजय प्राप्त करे फिर हम शंख बजाते हैं, इसलिए शंख को विजय स्वरूप बताया गया और शंख को ज्ञान स्वरूप भी बताया गया, इसलिए इसका नाम एक शंख क्षेत्र। जगन्नाथ पुरी का जो आकृति वो शंख जैसे। इसका और एक नाम कहते श्री श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, क्षेत्र मतलब होता है स्थान, जो श्री राधा रानी का स्थान है, मतलब राधा रानी का प्रेम को द्वारा संपूर्ण डूबा हुआ जो धाम है, यदि ये श्री श्री क्षेत्र है। और इसका जो चौथा नाम है, इसका नाम श्री जगन्नाथपुरी। क्या नाम है? जगन्नाथपुरी इसका नाम है, इसलिए इसका एक नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसलिए आप देखना, जैसे तीन साल में एक बार पुरुषोत्तम धाम, एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है, इसलिए यहीं पर फिर भी जो पुरुषों को अंदर में जो उत्तम है, कहते पुरुषों को अंदर में उत्तम कौन है, बोले कृष्ण है। और वही कृष्ण ही ये श्री जगन्नाथ जी, ये कृष्ण ही ये जगन्नाथ है, इसलिए कृष्ण कौन है, ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदा नंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण कृष्ण है। इसलिए जैसे कृष्ण सर्व कारण का कारण है, तब ये धाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, सारे धाम में ये धाम भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री क्षेत्र ग्रंथ में लिखे हैं, जैसे ये पुरी धाम को द्वारकापुरी मानी गई, क्योंकि जगन्नाथ जी वो लक्ष्मी को साथ में रहते हैं, इसलिए उसको द्वारकापुरी मानी गई। लेकिन जैसे यमुना, यमुना की बड़ी महिमा, गंगा की भी बड़ी महिमा है, लेकिन यमुना का महिमा तो यमुना ही है, लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब श्री नवद्वीप में प्रकटित हुए, जब उन्होंने गंगा में अवगाहन की, भैया गंगा की महत्व भी कम नहीं होगी, इसलिए यमुना की इतने महत्व क्योंकि उसमें कृष्ण जल विहार किया है, उसमें जल क्रीड़ा किया है, इसलिए इसका महत्व इतना है। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण मिलते दोनों, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिस जल में विहार किया, उसका क्या महिमा कम हो गया? कोई कम नहीं, वो यमुना से भी कहीं कम नहीं। लेकिन वैसे बताया गया वराह पुराण में गंगा की जितने महत्व है उससे 100 गुण ज्यादा महत्व यमुना है। कितना गुण? कितना गुण? 100 गुण है। कहते गंगा में स्नान करने का जो महत्व है, कहते यमुना को स्मरण करने का वही महत्व है, इतने महत्व है यमुना। लेकिन गंगा में महाप्रभु जो अवगाहन की उसका भी उतना महत्व बन गया। कहते उसी तरह कि जगन्नाथ पुरी को तो बताया द्वारकापुरी, लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर आए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर के रहने लगे, कितना साल तक रहे? 18 साल तक रहे, गंभीरा में रहे। कहते जो भाव को उन्होंने गोलोक वृंदावन में, कहते जो इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए, वो इच्छा को कहाँ पर पूरी किया है? बोले श्री जगन्नाथ पुरी में उन्होंने पूरी किया। इसलिए ये जगन्नाथ पुरी कोई साधारण स्थान नहीं, क्योंकि जब महाप्रभु स्वयं आए तो इसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ गया। कहते किसी स्थान की महिमा जब करते हैं, किसको द्वारा विचार किया जाते हैं? बोले तीन चीज को तरह, स्थान, काल और पात्र। यदि ये तीन चीज को द्वारा किसी स्थान की महिमा को हम समझते हैं, भाई भैया ये स्थान क्या है? कहते श्री क्षेत्र है। श्री क्षेत्र मतलब राधा रानी को प्रेम को द्वारा प्लावित ये स्थान, ये स्थान।
कलिय काल कौन सा काल ये है? कली युग। कौन सा युग है? कली युग। लेकिन कली युग का तो गंधर्वा नहीं गई, लेकिन ये जो युग है तदीय धन्य कली युग, जिसके लिए कहते हैं के जावी के जावी रे भा काली जोगे राजे तन आवता बता। ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, जिसमें श्रीमद् महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए जो स्थान है कलयुग है। कहते भैया पात्र कौन है? कहते पात्र है राधा कुंड को इतने महिमा क्यों बताई जाती है? कहते वहां पर केवल उन्होंने स्वपक्ष गोपियों को लेकर लीला करते हैं, इसलिए राधा कुंड की इतना महिमा। कहते यहाँ पर महाप्रभु किसको लेकर लीला की? स्वरूप दाम कौन है? ललिता। राय रामानंद कौन है? विशाखा। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी कौन है? लवक मंजरी। इसलिए उन्होंने जो गंभीरा में जो लीला करते हैं, तो उन्होंने अपना प्रिय परिकर मंजरी सखियों को लेकर लीला की। इसलिए ये नक्षत्र ग्रंथ में लिखते हैं जगन्नाथपुरी का महीना जितना था, लेकिन जब श्रीमद् महाप्रभु आकर के यहाँ पर जिस भाव को उन्होंने गोलोक वृंदावन में भी पूरी नहीं कर पाए, वो इच्छा को पूरी उन्होंने पूरी में करते हैं। दिव्य उन्माद चित्र जल्प विजल्प विजल्प सज्जल्प, ये जो दिव्य भाव को जो प्रकट हुआ, बोले कहाँ पर हुए? बोले सर जी जगन्नाथपुरी में ये सारे भाव को उन्होंने यहीं पर पूरी किए। इसलिए ये पूरी धाम कोई साधारण धाम नहीं, इसका भी महाप्रभु आने पर विशेष विशेष। और श्री जगन्नाथ जी की जो विग्रह है, तो दो भक्त के लिए दो चीज, जो ऐश्वर्य मूड में भजन करते हैं उनके लिए ऐश्वर्य भावना, लेकिन जो माधुर्य में भजन करते हैं, जो महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते किस रूप में? बोले कदाचित काल निधि तट विभिन्न संगीत तरल मुदा भीरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुब रमा सब ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। इसलिए ये मूड कौन से आए? बोले कदाचित काली तट प्रतिमा में क्या करते हैं, ये जमुना किनारा में जहाँ पर बेली चमेली जूई केतर की मालती, जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर सुंदर जमुना कलकलनाद से बह रही है, जहाँ पर सिर पर मरुपक है, हाथ में बंसुरी है, हैं? और उदाहरण देते हैं गोपियों का मुखारविंद कैसे, बोले कमल फूल जैसे है, कमल फूल जैसे है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, एक मधुकर बैठ करके गोपियों की मुखार बिंदर भी जो कमल को जो रस को जो आस्वादन करते हैं, कौन है? श्री जगन्नाथ जी। इसलिए महाप्रभु ने ये जो अष्टव को लिखा है ना, उसमें संपूर्ण उन्होंने ब्रज भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया, संपूर्ण ब्रज भाव को अभिव्यक्त किया। इसलिए जगन्नाथ जी शायद महाराज सुनाए होंगे जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए इसका तो बहुत कथा है। गुरुदेव और एक अच्छी कथा सुनाए, एक दिन कृष्ण ब्रज में बेहोश हो गए, ब्रज की चिंतन करते करते कृष्ण बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए इतने में श्री नारद जी आए, नारद जी आए तो बोले नारद जी एक काम करो, अपने महाराज बोल चले कथा, बोले एक काम करो तो थोड़ी सी ब्रज की कोई लीला सुनाओ जिससे ये बेहोश में आ जाए। नारद जी ने कहा देखो हम तो ब्रज की लीला सुना सकता हूँ गा सकता हूँ, लेकिन इनको होश आएगा ना
खैर ये ब्रज की चिंतन करते करते डूबे हुए फटे सीधा वृंदावन चल गए। वो रहेंगे नहीं, बोले फिर क्या किया जाए। बोले एक काम करो, किसी व्यक्ति को वृंदावन में भेजो, भेज करके वहां पर समझाओ कृष्ण अभी आ रहे हैं। अरे कृष्ण को समझा जाकर फिर हम इधर ले आए। बोले भैया किसको भेजा जाए। बोले श्री उद्धव जी को भेजो, क्योंकि उद्धव जी बड़े बुद्धिमान है। उद्धव बुद्धि सत्तम, ये बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि किसकी है? उद्धव जी की। क्योंकि ये वृषिना प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, ये कृष्ण के मंत्री कृष्ण की सखा और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, इसे इनको भेजो। उद्धव जी ने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पहले मैंने गया था, कृष्ण भेजा था हैं, मैंने पहले गया था, लेकिन मैंने देखा कृष्ण विरह में कैसे ब्रजवासी कितने कृष्ण विरह में दुखी। हमने ये चीज को हमने दर्शन किया कैसे राधा रानी बेहोश होकर खड़ी हुई, कोयल घूमती नहीं, मयूर केका नहीं करते, यमुना सुखी पड़ी हुई हैं, वहां पर बछड़ा दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, पूरा ब्रज को मैंने देखा पूरा विरह में डूबा हुआ। मैंने ये चीज को देखा और प्रतिज्ञा करके आया था कृष्ण को मैं जरूर भेजूंगा, लेकिन अभी तक कृष्ण रोते हैं लेकिन गए नहीं, फिर जाऊंगा ना। बोले तो वही झूठा फिर आ गया, पहले बोल कर गया था लाऊंगा, अभी तक लाया नहीं, फिर आ गया। बोले फिर किसको दिया जाए? बोले बलदेव प्रभु को। बोले भैया मेरी भी यही स्थिति है, मैंने भी वहां पर रास किया, मैंने भी लीला की अपना गोपियों के साथ में, लेकिन मैंने भी बोला लेकिन कृष्ण को अभी तक नहीं ले पाया, अगर फिर जाऊंगा ना। बोले फिर वही झूठा आ गया। बोले क्या किया जाए? सुभद्रा राजी होगी, बोले मैं चला, क्योंकि स्त्री स्त्रियों के अंदर में जाकर के फिर अपना बात कर सकती है। बोले मैं गोपियों के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, उनको समझा दूंगा। बोले ठीक है, ये सुभद्रा को भेजा जाए, लेकिन हमारी संस्कृति है कभी माताओं को लड़कियों को अकेले नहीं भेजते, अगर बहन को भेजे भाई जाते हैं, अगर पत्नी को भेजे तो पति जाते हैं, पत्नी को कभी अकेला कहीं छोड़ते नहीं। बोले बहनी को किसे छोड़ देंगे? ताऊ भैया। बोले भैया मैं भी चलता हूँ, कोई बात मैं चलता हूँ। बोले एक काम करो, तीन रथ बना, एक बलदेव प्रभु, एक सुभद्रा और एक श्री जगन्नाथ जी के लिए। इतने में श्री नारद जी बड़े सुंदर ब्रज की भजन गाते, क्या उन्होंने वृंदावन की भजन गाए। बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धरी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जब उन्होंने ब्रज की भजन गाए, इतने में कृष्ण ब्रज की भाव से उठे तो अभी सीधा ब्रज के लिए दौड़ पड़े। इतने में द्वारका वासियों ने बोले कृष्ण हमें पता है तुम वृंदावन दौड़ोगे, इसलिए पहले हमें व्यवस्था किया है, रथ बनाया, चलो रथ में ताऊ भैया भी चलेंगे, सुभद्रा आप भी तीनों चलेंगे, चलो। इतने में श्री कृष्ण को लेकर उन्होंने वृंदावन आ रहे हैं। अब देखना जब जगन्नाथ जी चलते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब को देखो ऐसे ऐसे, किस शराब को देखोगे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चलते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जगन्नाथ जी चलते हैं, हैं? और जब रथ में लेकर के चले, लेकिन उधर क्या, बोले राधा रानी को सुंदर कमल पुष्पों की सज्जा में लेकर करके रखे, शरीर में अगुर चंदन कर्पूर का लेप दिया है, और राधा रानी विरह में सारे कमल फूल चुरचुर हो रहे हैं, कर्पूर अगुर चंदन वो भी चुरचुर हो रहा है। राधा रानी कह रही मैं और ये शरीर धारण नहीं कर सकती हूँ, परसू बोल करके अभी परसू हो गए, अभी तक अभी वो श्याम सुंदर आए नहीं, अभी मैं शरीर त्याग दे रही हूँ। बोले देखो ललिते एक काम करना, मेरे शरीर में पांच चीज से शरीर बनी हुई, उसमें जो पानी है ना, मैं चाहता हूँ मरने का बाद में भी मेरी शरीर का सेवा कृष्ण सेवा मिले, मेरे शरीर में जो पानी को यमुना नदी में छोड़ देना,
प्रेम सरोवर मान सरोवर में उसको लेकर छोड़ देना। कृष्णा जब जल विहार करेंगे उनका शरीर को स्पर्श करें, मेरे शरीर में जो हवा है उसको वो पंखा में हवा झुलाते है ना, वो हवा में मिला देना, कृष्ण को शरीर को मैं पंखा करूंगी। बोले शरीर में जो आग है बोले दर्पण में लगा देना। कृष्ण जब दर्शन करेंगे कृष्ण अपना परछाई को देखेंगे, अग्नि को बोले सूर्य किरण में दे देना, कृष्ण का शरीर को मैं ताप दूंगी। इसलिए अपने मिट्टी को बोले कृष्ण जहाँ पर पीड़ा करते हैं वहीं पर दे देना, मैं अंतिम समय में संपूर्ण कृष्ण सेवा में लग जाऊं। इतने में राधा रानी प्राण त्याग करने जा रही थी और श्री इतने में श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। जब कृष्ण पहुंच गए ललिता कहती है राधे अभी प्राण मत त्याग करो। बोले क्यों? बोले श्याम सुंदर आ गए। आ गए? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले श्याम सुंदर आ गए। इतने में कृष्ण राधा रानी को दिव्य भाव को देख करके, राधा जी की ऐसे दिव्य उन्माद प्रेम था जिसको देख करके कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर के श्री जगन्नाथ हो। इसलिए जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो राधा रानी के प्रेम को देख करके ये द्रवीभूत रूप श्री जगन्नाथ। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। कहते जो ताऊ भैया वो भी राधा जी के प्रेम देख करके ऐसे हो गए। कहते श्री श्री सुभद्रा देवी ऐसे हो गए और सुदर्शन चक्र भी ऐसे हो गए। इतने में श्री नारद जी प्रकट होते हैं, वीणा बजाते बजाते और भगवान की सुंदर गुणगान गाते हैं। फिर श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा रूप में प्रकट हुए। बोले भगवान बड़े खुशी ब्रज कथा सुने। बोले वर्मा आप क्या चाहते हो? बोले प्रभु के ही रूप को लेकर के हम श्री जगन्नाथ मंदिर में आपको पूजा होगी। कलयुग में जो व्यक्ति आपका दर्शन करेगा और आपका जो महाप्रसाद है, अगर ये महाप्रसाद को अगर कोई सेवा करेगा तो वो अचिरात आपका प्रेम को, आपकी भक्ति को और राधा कृष्ण के चरण की सेवा को प्राप्त करेगा। इसलिए देखो आज हमें वही चीज आज प्राप्त है। मंदिर में जगन्नाथ जी को देखिए, ठाकुर जी की ये प्रेम है, फिर आज श्री जगन्नाथ जी महाप्रसाद भी हमें चकाचक, जगन्नाथ जी की महाप्रसाद भी आज हमें प्राप्त होगा। इसलिए सारे चीज आज मिलेगा, बड़े भाग्यवान है जो कि आज हम ये सब चीज हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, महाप्रसाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, प्रकाश प्रभु की करुणा तिथि की, पिताजी गौर प्रेमानंद देव हरि हरि बोल। सबके सब बैठ जाओ आसन लेकर सब।